दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं 18x25 का होम डिज़ाइन। जैसा कि आप ये मॉडल देख पा रहे होंगे और यहाँ पर मैंने 18x25, इसकी अगर हम बात करें तो चौड़ाई 18 फिट और लंबाई की बात करें तो 25 फिट है। तो ये पूरा डिज़ाइन डिस्कस किया है मैंने, तो मैं इसको पहले ट्रांसपेरेंसी आपको करके दिखाता हूँ। तो जैसे आप ट्रांसपेरेंट करेंगे तो यहाँ पर आपका पूरा ऊपर से नीचे तक टोटल व्यू दिख जाता है कि कैसा आपका ये मॉडल दिखने वाला है। देख सकते हो यहाँ पर मैंने फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट और सेकेंड तीन फ्लोर बनाए हैं। और इसके बाद मैं इसका 2D मॉडल और 3D मॉडल दोनों डिस्कस करूंगा, हर एक रूम की कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई है। तो बने रहिए इस वीडियो में लगातार। मैं हूं पवन झाकड़ और आप देख रहे हैं दोस्तों अपना चैनल न्यू टेक। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें लेटेस्ट एंड अपडेटेड होम डिज़ाइन वीडियो पाने के लिए। क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे मॉडल मिल जाएंगे, जैसे 15x25 या बहुत सारे मॉडल यहाँ पर मिल जाते हैं, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलो इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसका ग्राउंड फ्लोर। तो अगर हम ग्राउंड फ्लोर पर चलते हैं, आप देख पा रहे हो ये ग्राउंड फ्लोर है। अगर हम बात करें इसकी चौड़ाई तो बता ही चुके हैं 18 फीट है और लंबाई 25 फीट है। तो ये एक मेरे सब्सक्राइबर, उन्होंने मॉडल दिया था। अगर आप भी कोई चाहते हैं मॉडल डिजाइन करवाना तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मुझे ये मॉडल चाहिए। मैं सभी लोगों को मॉडल तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन एक एक करके मॉडल जरूर देता रहता हूँ। तो जैसे आप यहाँ, सबसे पहले मेन गेट है और इसको मैंने डिवाइड किया है दोस्तों दो पार्टीशन में 9-9 फिट के, लेकिन वो ऊपर से होगा क्योंकि नीचे मैंने अभी सारी चीजें इसलिए एडजस्ट कर ली है कि अगर आप फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर भी बनवा लेते हैं तो आप रहना स्टार्ट कर दें। किचन, लेटरिन, बाथरूम सब कुछ यहाँ पर एडजस्ट कर दिया है। जैसे आप यहाँ पर मेन डोर है, ये एक विंडो दे रखा है मैंने, ये डिजाइनिंग के लिए है दोस्तों। तो मेन डोर से आप जैसे एंटर करते हैं तो यहाँ पर आप देखिएगा, ये आपका किचन है। ये अगर हम इसकी लंबाई करें तो 6x7 इसकी लंबाई, किचन आपका 6x7 का किचन निकल आता है। इसका प्रॉपर आपको एग्जैक्ट अगर डायमेंशन देखना है तो दोस्तों आना होगा आपको इस वेबसाइट पर, क्योंकि ये smallhouseplan.com, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पर आप 18x25 जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इसका फुल डिस्क्रिप्शन विथ डायमेंशन कितना क्या है इसका पूरा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है विथ 2D मॉडल। तो चलो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए जैसे ही ओपन हो जाता है यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन पूरा दिया गया है कितने बाई कितने का है। और ये इसका ग्राउंड फ्लोर मैं डिस्कस कर रहा था, यहाँ पर देखिए 7.6 और 7.6 जो किचन में डिस्कस कर रहा था वो है। अगर हम इसे रूम की बात करेंगे जो अभी देखने वाला है आपको, तो 11.3 × 12.3 का ये एक रूम निकल आता है। और ये आपका लेटरिन बाथरूम है 5.10 × 8 × 3.4 का, अप्रोक्स 4 का ये आपका स्टोर रूम है। आपको ये 3D में आप देख सकते हो, यहाँ पर ये पूरा 3D में जो दिखने रहा है, ठीक है, इसी का तो आप इसको ऐसे आराम से देख सकते हो। ये आपका एक बेडरूम निकल जाता है, इसका डायमेंशन आप इस वेबसाइट पर देख सकते हो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पूरा इसका डायमेंशन और 3D व्यू भी आपको यहीं पर वो दिखता है जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अगर अब हम इसके बात करें फर्स्ट फ्लोर की, तो अब जैसे फर्स्ट फ्लोर पर जाएंगे तो देखिएगा ये बेहतरीन सा फ्रंट से आपको ऐसा दिखेगा कि मैंने ग्लास लगा दिया है आपका डिजाइनिंग के लिए और एक विंडो आपके वेंटिलेशन के लिए। अगर अब हम बात करें, आप जैसे जीने से ऊपर चढ़कर आएंगे यहाँ पर, तो इसके लिए आपको सेम टू सेम नीचे जो यहाँ पर लेटरिन बाथरूम था वो मैंने हटाकर यहाँ पर दो बेडरूम 9x12 के निकाल दिए हैं। और ये बेहतरीन सा ये आपका रूम निकल आता है। ये मैंने अप्रोक्स 2.5 से 3 फीट का आगे छज्जा निकाल दिया है जिससे आपकी जगह और भी बढ़ जाएगी। और यहाँ पर आपको 3 बेडरूम निकल आते हैं। अगर आप उधर इसको किराए पर देना चाहते हैं तो इस वाले बेडरूम में आप किचन, लेटरिन, बाथरूम एडजस्ट कर सकते हैं, दोनों बना दें और ये दो कमरे आप किराए पर भी दे सकते हैं अगर आपका सुटेबल लगता है तो। तो ये इसका अगर आपको एग्जैक्ट लोक वो देखना है डायमेंशन, तो फिर से आपको आना होगा यहाँ पर। तो अगर हम फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो देखिएगा ये कितने बाई 10x9 और 8x7 का एक रूम है। और ये तो आपका, आपको पता ही है 8.9 और 8.9 और 12.3 के ये दो बेडरूम है। और ये आपका निकल आता है बेहतरीन सा डिजाइन। तो अब इसके बाद अगर हम डिस्कस करें तो आप ये देख सकते हो। अब हम लास्ट फ्लोर की अगर बात करें तो आप इसको ये देख सकते हो, मैंने लास्ट में जो सेम टू सेम दो रूम थे वो डिजाइन कर दिए और जीने को ढक दिया है। और ये आपका फ्रंट से ऐसे दिखने वाला है। और ये आपका मैंने इस पे छत बना दी। अब ये आपका बहुत बड़ा सा एक ग्राउंड निकल आता है। तो ये पूरा डिस्कस कर लिया मैंने होम डिजाइन, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कोई और भी पॉसिबिलिटी थी तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। और पूरा डिटेल जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इसका
इसी वेबसाइट पर, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दोस्तों। और भी यहाँ पर बहुत सारे होम डिजाइन से रिलेटेड पड़े हुए हैं, सबको देख सकते, इसका वीडियो भी आपको नीचे मिल जाता है दोस्तों। तो ये आपका मॉडल कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और ये ग्राउंड फ्लोर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपका छोटा सा ये स्पेस निकल आएगा डाइनिंग टेबल के लिए या कुछ भी, आप जो भी समझ सकते हैं। तो ये आपका मॉडल था जो मैंने डिस्कस किया। अगर आपको कोई दूसरा मॉडल चाहिए और ये कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके बताएं, और लाइक शेयर जरूर करें इस वीडियो को, और चैनल को